कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, दिस इज कविता। बिफोर टाइम टेबल मैं आप लोग को बता दूं, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि SSB इंटरव्यू का अप्रोच बिल्कुल आपके रिटन एग्जामिनेशन से अलग होता है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पता होते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है अपने स्किल्स से मैच करती हुई। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमेशा, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, यू शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग, हैप्पी एंड लुकिंग कॉन्फिडेंट। उसके अलावा जो एक और चीज़ आपको वर्कआउट करनी है वो है आपकी फिजिकल फिटनेस पे। तो इन चारों और पांचों चीजों का वर्कआउट एंड कॉम्बिनेशन करने के बाद आप इस एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाएं, ये घर बैठ के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें चाहिए होता है राइट मेंटर, राइट गाइडेंस, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है। सो थ्रू वीडियो लेक्चर्स आप एक एक टेस्ट की ब्रीफ डिटेल्स जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मोर देन 25 बुक्स पैकेज, जिसमें आपको सैम्पल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ ही 24/7 आप कभी भी अपनी कोई भी क्वेरीज मेरे साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, आपकी स्टोरीज का असेसमेंट कराना हो, आपका इंडिविजुअल असेसमेंट कराना हो, वो आप मेरे साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज का असेसमेंट करा सकते हैं। आप जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं, और आपके स्किल के हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप अपने SSB इंटरव्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही डिफेंस और SSB इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको बेसिक ग्रामर करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जो एग्जीक्यूटिव लेवल की कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि आप एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बात करेंगे, उस लेवल की कॉन्वर्सेशन कैसे करी जाती है, कैसे टू द पॉइंट आंसर किया जाता है, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली फ्री स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सिखाया जाएगा। दिस डज नॉट मीन कि ग्रामर सिखाया जाएगा, बट कॉन्वर्सेशन कैसे करी जाती है एक ऑफिसर लेवल की, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। एंड इसके अलावा अनलिमिटेड फ्री मॉक इंटरव्यूज़ आपको अवेलेबल मिलेंगे, जो कि आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी और अवेलेबल नहीं मिलेंगे, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स को मैं टीच कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग करने के आने के बाद भी उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज रहते हैं, एंड दे टेल देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट देयर कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि उसके बाद इतने सारे डाउट्स आप स्टिल परसिस्ट करते हैं एंड इट्स नॉट बीन क्लैरिफाइड, सो ऑल दीज आर द रियलिटी। खैर, मूविंग फॉरवर्ड टू द यू नो सिलेबस एंड ऑल्सो द टाइम टेबल, जो कि बेसिक आपको इनिशियली फॉलो करना है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो ये मैं चैलेंज दे रही हूँ 30 डेज के अंदर अपनी SSB प्रिपरेशन करने का, और घर बैठ के आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये टाइम टेबल फॉलो करना है, एंड आई चैलेंज यू कि आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होगा वो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है, और आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, वो सब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सिलेबस, टाइम टेबल SSB का, एंड कैसे आप अपनी SSB प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। प्लस ऑल्सो 5 दिन का क्या SSB प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। टास्क इजियर, तो यूजुअली SSB टाइम टेबल आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि 1 महीना 15 दिन या इसी टाइम टेबल को आप एक्सटेंड कर सकते हो, 2 महीने में कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो डे वाइज अगर मैं 30 डेज का भी आपको मिनिमम प्लान बताऊं, जो कि अभी आपके पास 30 डेज से 45 डेज का टाइम है SSB प्रिपरेशन के लिए, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टेज 1 टेस्टिंग, विच इज आपका OIR, OLQ एंड TPDT टेस्ट, और इसमें आपको आराम से ज्यादा टाइम देना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स। तो कैसे करना है, पहले सबसे पहले आपको टेस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टेस्ट का अप्रोच होता है, सॉल्व क्वेश्चंस को देखिए ज्यादा से ज्यादा, एनालिसिस करिए कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको SSB इंटरव्यू में नहीं जरूरत है, OIR, OLQ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कंप्लीशन फिगर्स, एनालॉगीज, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेजेस, डॉट इमेजेस, जो SSB क्वेश्चनर्स में आपको OIR, OLQs में भर भर के मिलते हैं, फिगर कंप्लीशन हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया। सो जो बुक है हमारे पास, उस बुक में आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लाइक 1000+ क्वेश्चंस आपको उस बुक में रिलेटेड टू ऑल दीज विच आर स्पेसिफिक टू SSB, OIR, OLQ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको सॉल्व करेंगे, पहले तो आप सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सॉल्व देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। आइडिया करने
करने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट्स में जाके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं कहूंगी 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करिए फॉर 7 days रेगुलरली, आई एम श्योर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सेट को कवर कर लेंगे। साथ ही इसी में आप फोकस कर सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस OIR OLQ में ऐसे आते हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं या ग्रामर बेस्ड होते हैं, जैसे सेंटेंस करेक्शन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया। तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हाई लेवल नहीं, बट बेसिक डिफेंस में जो बहुत रेपिटेटिव रहे हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं FCAT या CBSE एग्जामिनेशन में से, उस तरह के भी कुछ जो हैं वो आपके SSB में कवर आ जाते हैं। तो ये सब आपको बुक से मिल जाएगा, बुक में आप ये सब सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 days तक यू कैन एक्चुअली फोकस अकॉर्डिंग टू दिस ऑन OIR एंड OLQs, एंड साथ में फिजिकल फिटनेस इज समथिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, फिजिकल फिटनेस अपनी। Thereafter, अगर मैं day 2 की बात करूं, यानी सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड वीक में आपको फोकस करना है आपके PPDT, GD एंड नारेशन में। मैंने बीच में मिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि थोड़े टाइम बच्चे OIR पढ़ते हैं फिर फोकस हटा के PPDT पढ़ लेते हैं, उससे आपको चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हसल हो जाता है। सो PPDT एंड GD में फिर आप क्या करेंगे, PPDT को बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझिए, इसलिए नए वीक से स्टार्ट करना है। PPDT में भी अगेन आपको फॉर्मेट समझना है, स्टोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इट शुड बी 100 to 120 words, क्योंकि वही सेम स्टोरी आपको नरेट करनी है। तो इसलिए मेक श्योर कि 9 to 10 लाइन से ज्यादा आप ना लिखें, एंड ऑल्सो 5 minutes में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 12-15 लाइन लिखें। तो जितना कंसाइज स्टोरी आप लिखेंगे, उतना आपको नरेट करने में भी, याद करने में भी आसान हो जाएगा। सो ये सारी ट्रिक्स, ये सारा अप्रोच आपको समझना होगा कि PPDT में बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट स्टोरी लिखनी है। हर 2 लाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल पहले 2 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया हीरो को, फिर आपने 2 लाइन में बैकग्राउंड बता दिया, फिर आपने 2 लाइन में प्रेजेंट सिचुएशन बता दी, एंड 2 लाइन में फिर आपने अपना फ्यूचर आउटकम बता दिया कि कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे, करेक्ट। दिस इज द वे, ये सारे अप्रोच, ये सारे टेक्निक्स आपको बुक में अवेलेबल मिलेंगे। फिर आप एनालाइज करिए बाकी पिक्चर्स को पढ़ के, बाकी बुक्स को देख के, एंड उसके बाद आप अपना टेक्निक शुरू करिए। आप अलग अलग थीम से सोचिए कि इस थीम से रिलेटेड और क्या क्या पिक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को गन के साथ देख लिया, तो यू नो मैं बेसिक अगर एग्जांपल्स दूं तो कोई एम्बुश हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, या आप इंडिविजुअल वॉर पे जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को सेव कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। उस तरह से आपको अलग अलग फॉर्म्स में उनको परसीव करना है, या आपने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया, या आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं कि एक ही पिक्चर से आप कितने अलग अलग थीम्स की स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द काइंड एंड दिस इज द लेवल ऑफ IQ जो आपको पिक्चर्स को लेकर डेवलप करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आप उससे रिलेटेड मैक्सिमम स्टोरीज पढ़ेंगे, मैक्सिमम पिक्चर्स एनालाइज करेंगे एंड करेंगे। देयर आफ्टर जैसे ही आप पिक्चर्स पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, लाइक एक दिन पूरा स्पेंड करिए, अच्छे से एनालाइज करिए और आराम से 6-7 घंटे समझिए। नेक्स्ट डे आप उन्हीं पिक्चर्स पे सेम वही स्टोरीज लिखिए जो एक्चुअली बुक में लिखी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड स्टोरी बिल्डिंग हो जाए। देयर आफ्टर फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको मिनिमाइज करके कर सकते हैं। जो भी स्टोरी आप लिखते हैं, आप अपने साथ एक क्लॉक रख लीजिए, देख लीजिए कि क्या आप उस स्टोरी को 1 मिनट के अंदर बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका पूरा 7 days अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, PPDT विल बी अ राइट हैंड थिंग फॉर यू, मतलब चुटकियों वाला काम जिसे मैं बोलती हूँ वो आपका PPDT हो जाएगा, एंड फिजिकल एक्टिविटीज जैसे मैंने बोला वो आपको कंटिन्यू करते रहना है। सिमिलरली डे वाइज आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गया, सेम आपको साइकोलॉजी में करना है, ठीक है। सो मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया दैट हाउ दिस टाइम टेबल इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, चाहे आप नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है वो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो, करेक्ट। सो ये सारी चीजें आपको, ये पूरा जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये आपको अवेलेबल मिलेगा बुक्स के साथ। तो आपको ना स्टडी मटेरियल ढूंढना है, ना आपको बुक्स ढूंढनी है, ना आपको टाइम टेबल ढूंढना है, एंड इसको आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ SSB इंटरव्यू का 5-day प्रोसेस, और आपको किस पे इनिशियली एम्फसाइज करना है सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे भी गलती करते हैं। लाइक सबसे पहले हम GD लेक्चरेट, GD टास्क भरते हैं, जबकि दैट इज stage 2, या हम साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। बट मेन फोकस है, अगर आपका स्क्रीनिंग स्टेज ही नहीं क्लियर होता है तो ये सारी प्रिपरेशन जो है वो बेकार हो जाती है। तो वो ना हो उसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको SSB इंटरव्यू की 5-day की प्रिपरेशन और उसका स्ट्रैटेजी, उसका अप्रोच कैसे रखना है।
लेट्स स्टार्ट फॉर एसएसबी प्रिपरेशन। देखो बच्चों, ये है 5 डे का एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस। इसमें जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो होती हैं आपके रिपोर्टिंग में। अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स कम है तो अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कितनी अच्छी क्यों ना की हो, कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन की हो, कोई फायदा नहीं होगा। साइकोलॉजी की कर ली, जीटीयू की कर ली, बट कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होगी। सो पहला तो स्टेप यही करिए कि मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपका स्टेज 1, जो कि ये स्क्रीनिंग स्टेज है। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला, उन्हें समझ नहीं आता, गाइडेंस नहीं होती, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप लोग पहले साइकोलॉजी टेस्ट, इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी मेजर, क्योंकि साइकोलॉजी इतना बड़ा वर्ड बन गया, इतना हाइप उसका बना दिया गया कि बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट्स भी साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं, बिकॉज इसी के नाम पे वो आपको डराते हैं कि साइकोलॉजी में इतना सारा लिखना होगा, साइकोलॉजी पे फोकस कराते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप अपने डे 1 की प्रिपरेशन करेंगे, विच इज OIR, OLQ, PPDT, तो ये आपको आगे का टेस्ट का भी प्रैक्टिस करा देगा। लाइक जिस तरह से आप स्टोरी बिल्डिंग पीपीडीटी में सीखेंगे, उससे और टैट में जो स्टोरीज आप लिखते हैं बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया रहेगा, एंड देयर आफ्टर आप अपने फर्दर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग पे आपको बहुत फोकस करना है, OIR, OLQ, PPDT, GD एंड नरेशन, बिकॉज अंटिल अनलेस आप ये 5 टेस्ट क्लियर करते हैं स्टेज 1 पे, आप सेम डे घर वापस आ जाएंगे तो आपका 6 महीना दोबारा वेस्ट हो जाएगा। एंड डिफेंस में एज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड यू आर ऑल्सो नॉट श्योर कि आपको नेक्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है उसका 100% यूटिलाइज करें। सो आउट ऑफ ऑल दीज 5, आई वुड फोकस यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेज 1 पे टेस्ट करें फिलहाल पहले 2 हफ्ते, अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो। एंड देयर आफ्टर मैं आपको साइकोलॉजी, GTO एंड इंटरव्यू की भी टेस्टिंग एंड उनका भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट जस्ट फॉलो दिस अगर आप रियली हार्ड वर्क करना चाहते हैं, यू आर लुकिंग आउट फॉर सिलेक्शंस, ठीक है। डेफिनेटली आप नेट पे पढ़ेंगे, आप 10 लोगों को फॉलो करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। इफ आई एम नॉट सेइंग आप मुझे फॉलो करिए, अगर आप किसी, आपको किसी और का अच्छा लग रहा है, आप कहीं और पढ़ रहे हैं एंड आपको समझ आ रही है चीजें, मेन थिंग इज अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो गुड टू फॉलो दैट, अगर नहीं तो प्लीज चेंज योर सोर्सेज इमीडिएटली, बिकॉज अब टाइम कम है एंड 30 डेज के लिए यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। और ये जो बेसिकली सिलेबस है, जो ये आपका टाइम टेबल है, ये ऐप पे अवेलेबल है विद कोर्सेज, विद ग्रुप्स, विद वीडियो लेक्चर्स, एक एक स्टेप बहुत क्लियरली है, प्लस मैं आपके साथ रेगुलर वहां पे रहूंगी फॉर गाइडेंस, ठीक है। अब ये उस प्रोसेस जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई, उस प्रोसेस का ये डिटेल्ड है, तो अभी हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमको फोकस करना है इस वाले पार्ट पे विच इज स्टेज 1, और ये स्क्रीनिंग स्टेज 1, जिसके टेस्ट मैंने यहाँ पे और क्लैरिटी के लिए आपको दिख दिया। आई होप इसमें आपको सबसे ज्यादा आप क्लैरिटी मिल रही होगी। तो देखिए, जो थीमेटिक है वो जब आप पीपीडीटी की प्रिपरेशन करेंगे, सो दीज 2 आर कनेक्टेड, ये बहुत आराम से हम सॉर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में, लेकिन पहले आपको फोकस करना होगा OIR, PPDT, GD, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है पहले 2 हफ्ते, बिकॉज यहीं पे होते हैं आपके 80-90% rejections, like 50% rejections by number यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। And percentage wise it's 80-90% reduction जो यहाँ पे हो जाता है। For example, अगर 100 students गए, most probably 80-75 students are rejected and 20 students only go forward in screening. तो आपको समझना है कि vacancy कितनी है और उसके बाद आपका competition कितना है, आप कंपीट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी एंट्री वाइज उतना मैच्योर होना है, बिकॉज आप एक ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स इन माइंड यू शुड हैव ऑल दिस, ठीक है। तो इस तरह से फोकस होके एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। आई होप अब आपका जो डाउट कहीं भी नहीं क्लियर होता, इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता, आई एम श्योर यहाँ पे क्लियर हो गया है। स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम बना कि अगर आपको इस वीडियो में रियली लग रहा है कि आपको नॉलेज मिली, आपको चीजें समझ आई हैं, सो थिंक अबाउट कि इस कोर्स में आपको कितनी क्लैरिटी मिलेगी जब आप एक एक चीज पूरा बेसिक से समझेंगे। और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, आप जो है कितने भी टाइम ड्यूरेशन में इस कोर्स को खत्म कर सकते हैं। आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप 2 महीने प्रिपेयर करिए, आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में करिए सेम चीज। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट वही सिलेबस आप 15 दिन में भी फॉलो कर सकते हैं, बट वहां पे आपको पैरेलल डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगेन माय पॉइंट इज फोकस ऑन
स्टेज वन एंड इस तरह से आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं. तो फॉर दिस एंट्री अगर अभी भी प्रिपरेशन आपने नहीं स्टार्ट करी है तो बी अश्योर्ड आप उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, 100% दीजिए एंड यू विल फील द चेंज. सो डाउनलोड करिए गवर्नमेंट ट्रैकर्स का ऐप जो कि एप्पल प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन अपडेट मिलते हैं. कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी अवेलेबल दिया हुआ है. प्लस टेलीग्राम में भी आप जाके गवर्नमेंट क्रैकर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ. प्लस पैरेलल एंट्रीज में आप कौन कौन सा करियर ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं डिफेंस में ही जाने के लिए, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे. सो होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, आपको चेंज लगा होगा, आपको समझ आया होगा, ठीक है. और ये जो बुक्स हैं यही बुक्स इसी बुक्स के अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल बनाए तो सब कुछ बहुत कनेक्टेड है. जैसे मैंने बोला कि OIR के लिए ये बुक आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है. अब इस बुक में आपके सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन होगी. उसी तरह टैट वैट एंड PPDT की है, उसी तरह साइकोलॉजी की सारी टेस्ट वाइज मैंने इंडिविजुअल बुक्स बना दी है जो कि कहीं पे भी मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हर जगह कंबाइंड बुक होती है, दो पेज का एक्सप्लेनेशन होता है उसके बाद वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है और दो पेज में कुछ भी नहीं समझ में आता. आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू दिस, बिकॉज मैंने भी कभी वो स्टेज क्रॉस किया है एंड मेरे पास इतने स्टूडेंट 2,00,000 बच्चों को ट्रेन करने के बाद ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, करेक्ट. तो उसके बिहाफ पे ये कंपाइलेशन करा गया है कि सारी चीजें किस तरह से कनेक्टेड है. तो आपको जाना है गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे, वहां पे जो भी आपकी एंट्री है, जो भी आपका कोर्स है, आप इजीली उसे परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप मेरे साथ 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी डाउट्स जो भी क्वेरीज हैं वो सब आपके यहाँ पे क्लियर कर जाएंगे. सो होप द सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू. जय हिंद.